हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष। मनीष एक्सपेरिमेंटल रूप चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग तो हॉट एयर बैलून जानते होंगे, जो कि इंसान इंसान को आसमान में उड़ा ले जाता है। तो दोस्तों, वो चीज़ पहली दुनिया में एक चीज़ है जो कि एक टेक्नोलॉजी है जो इस इंसान को हवा में उड़ा ले जा सकती है। उसका ट्रिप कई जगहों में होता है, भारत में भी होता है, जैसे कि जयपुर और कई जगहों में होता है। तो भी दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो हॉट एयर बैलून कैसा काम करती है, वो किस तरीके से बनाया गया है और वो किस यूज़ में आता है। तो भी दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दो। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हॉट एयर बैलून को पहली बार उड़ाया गया था अमेरिका से। तो भी दोस्तों, अमेरिका से एक जगह से हॉट एयर बैलून को पहली बार उड़ाया गया है और ये हॉट एयर बैलून दुनिया में एक लौता टेक्नोलॉजी है, पहला टेक्नोलॉजी जो कि इंसान को हवा में उड़ा ले जा सकती है। उसके नीचे जो बकेट होता है उसमें इंसान उसमें रहकर हवा की ट्रिप कर सकते हैं, जैसा कि मिस्टर इंडियन हैकर यानी कि हमारे दिलरथ भाई कुछ दिन पहले उसके चैनल में उस वीडियो को डाला था, जो कि वो जयपुर में हॉट एयर बैलून का शेयर करने गए थे। पहले बता देता हूँ हॉट एयर बैलून किस किस मटेरियल से बनता है। तो दोस्तों, ये हॉट एयर बैलून बनता है फैब्रिक अभी लाइलोन नाइलोन से बनता है। तो भी दोस्तों, वो हीट प्रूफ होता है, वो उसका जो कपड़ा होता है वो हीट प्रूफ होता है। नोमेक्स नोमेक्स एक हीट रेजिस्टेंस पदार्थ होता है जो कि उसमें बनने के लिए लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले उस हॉट एयर बैलून का कपड़ा कुछ इस तरीके से तैयार कर लिया जाता है। हॉट एयर बैलून कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। तो फ्रेंड्स, इस हॉट एयर बैलून का जो नीचे बर्नर लगा हुआ होता है, वो बर्नर क्या करते हैं, उसको अंदर गर्म हवा भरते हैं। पहले उसको चलाने के लिए उड़ाने के पहले जो हॉट एयर बैलून का बैलून वाला हिस्सा होता है उसमें पहले ठंडी हवा भरी जाती है, वो क्यों, फिर उसके अंदर गर्म हवा भरी जाती है। ठंडी हवा जो प्रेशराइज होती है गर्म हवा के संस्पर्श में आने पर वो तेज़ी से फैलने लगता है और इसीलिए हमारा हॉट एयर बैलून फूल जाता है। और जब वो उसके अंदर फिर गर्म हवा भरी जाती है और गर्म हवा क्या करती है, गर्म हवा वायु से हल्की होती है, इसीलिए गर्म हवा ऊपर जाता है, जो कि दिवाली में जो हॉट एयर बैलून आप उड़ाते हो कुछ इस तरीके का, कुछ उस प्रिंसिपल में ये काम करती है। लेकिन ये उससे कई गुना ज़्यादा सिक्योर तरीके से काम करती है। उसमें बना जो दिवाली वाला रॉकेट हॉट एयर बैलून होता है उसमें यूज़ किया जाता है कपड़ा कागज का, वो जल सकता है, लेकिन इसमें यूज़ किया जाता है हीट प्रूफ और बहुत सख्त लाइलोन की कपड़ा। तो दोस्तों, आप तो जान चुके हो कि ये किस किस मटेरियल से बनता है और आप जान चुके हो कि ये इसको उड़ाने के पहले क्या क्या चीज़ करना पड़ता है, इस तरीके से ये हॉट एयर बैलून काम करती है। और जब उस हॉट एयर बैलून को आसमान में ले जाया जाता है, फिर उसके अंदर जो बर्नर लगा हुआ होता है, बहुत पावरफुल बर्नर, जो कि रॉकेट का जो नीचे वाला फ्यूल होता है उस तरीके का बर्नर लगा हुआ होता है, वो बर्नर उस हॉट एयर बैलून में गर्म हवा भरती है, इसीलिए हॉट एयर बैलून हवा में उड़ती है। हॉट एयर बैलून कहीं ऊँची तक जा सकता है, 2000 फीट 1000 फीट कहीं ऊँची जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जब उस हॉट एयर बैलून को नीचे लैंड होना होता है, तब कहीं एक सुनसान यानी कि जहाँ पेड़ या कुछ घर या नहीं हो, तब उस जगह जो बर्नर की स्पीड है उसको लो कर दिया जाता है और जो हॉट एयर बैलून में जो गैस है वो ठंडी होती जाती है और वो धीरे 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 लैंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हॉट एयर बैलून का काम करने का प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इस छोटी सी वीडियो में कुछ सीखने को मिली है। अगर सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दो। तो फिर चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।